दिनारा थाना क्षेत्र के बैसोरा कला गांव में एक युवक की हत्या कर दी गई है। युवक का शव आज गांव के पास नहर किनारे मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बैसोरा कला गांव का रहने वाला 26 वर्षीय संतोष पाल पुत्र दयाराम पाल शुक्रवार की रात 9:30 बजे से 10 के बीच घर से फोन पर बात करते हुए निकला था। इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। आज सुबह कुछ ग्रामीणों को नहर किनारे संतोष पाल का शव मिला था। इसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा तत्काल परिजन सहित पुलिस को दी थी। संतोष पाल के एक कान पर गहरा जख्म का निशान है। संभवतः संतोष पाल की कनपट्टी पर लोहे की नुकीली हथियार से हमला किया गया है। हत्या किसने और क्यों की इसका पता फिलहाल नहीं लग सका है। मृतक के पिता दयाराम पाल का कहना है कि उनकी व उनके बेटे भी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। बता दें कि दिनारा थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है। रानू राजपूत, संवाददाता, दिनारा। क्या नाम है आपका? दयाराम जी। आपके कौन थे? छोटे लड़का है, तीसरे नंबर का। तो ये घर से क्या बजे निकले थे? घर से सर हम खाना पीना खा कर पड़ रहे, हमें जानकारी नहीं है कि कितने बजे इतने आओ जी। तो वो तो रात में ही आओ है, रात को ही मरो है, बिल्कुल हाथ पांव से गुड़ी मिली हमें सभी ने 6 बजे पता लगा। किसी से रंजिश थी क्या? किसी नहीं, किसी से हम ही तो किसी से गांव में बस्ती में किसी से भी पूछ लो कोई रंजिश नहीं दिया। हमने तो ये अपने भाई थे टेम भी ना दें तो के मतलब जो कितना जाब है। शादी हो गई थी? हाँ शादी हो गई, घरे बहू है। आपको जानकारी किसने दी थी इनकी? सवेरे 6 बजे जानकारी मिली। 6 बजे जानकारी लगी है